तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दी Xiaomi Poco F1। देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोस बनाए हूँ इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Poco F1 में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस मोबाइल को। तो सबसे पहला फीचर है बैटरी बैकअप को कैसे ज़्यादा बढ़ाना, यानी कि बैटरी बैकअप को कैसे सेव करें। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सिक्योरिटी है ना, यहाँ से भी आप बैटरी जो है यहाँ उस पर टैप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शंस है, एक है बैटरी सेवर, बैटरी यूज़ एंड बैटरी सेवर। यहाँ पर तो ऐप बैटरी सेवर में सबसे पहला आपको जाना है। एंड ऐप बैटरी सेवर में क्या करना है, ये ढेर सारे ऐप्स जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं कोई भी ऐप्स को, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो, अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्या करना है आपको, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर टैप करके ओके पर टैप करना है। बाय डिफ़ॉल्ट बैटरी सेवर पर रहेगा तो आपको वो चेंज करके रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर डालना है, एंड इससे आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा आएगा। वैसे ही सारे एप्लीकेशंस को कर दीजिएगा, जो भी आप यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, उन सारे एप्लीकेशंस को ऐसे जाना है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी टैप ऑन ओके। तो आप जब भी उस एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो नॉर्मल वैसे ही ओपन होता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप क्लोज़ करेंगे तभी बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्ट करता है एक्टिविटी, यानी कि बैकग्राउंड में फालतू में रन नहीं होगा, उससे आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा। तो ये एक ट्रिक है। वैसे ही ऐप बैटरी सेवर, तो वैसे ही बैटरी यूज़, तो यहाँ पर भी आप कोई भी एप्लीकेशंस रन हो रहे तो फोर्स स्टॉप ऐसे कर सकते हैं, उससे भी बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पर बैटरी सेवर है, तो बैटरी सेवर आपका मान लीजिए अगर 20% बैटरी बचा है एंड ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहते हैं तभी जाकर आप बैटरी सेवर को ऑन कर सकते हैं। वैसे ही एनालाइज बैटरी यूसेज, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो एनालाइज करके आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो ऐड 12 मिनट्स इस पर टैप करना है एंड 12 मिनट्स एक्सटेंड करके आपको देगा। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं बैटरी सेव करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर एक छोटा सा सेटिंग्स आइकॉन है ना, यहाँ पर आप टैप करेंगे तो ये वाला सबसे पहला वाला को आप इन 5 और इन 10 मिनट्स को रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट नेवर करके रहेगा। तो इन 5 और इन 10 मिनट्स बेसिकली ये क्या करेगा कि मोबाइल डेटा को ऑफ करेगा, जब आप अपना जो भी यूसेज हो वो यूज़ करने के बाद डिवाइस लॉक करेंगे ना, तो लॉक करने के बाद 10 मिनट्स होने के बाद मोबाइल डेटा को ऑफ कर देगा, एंड जब भी आप अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा ऑन हो जाएगा, तो उससे भी बैटरी ज़्यादा बचेगा। वैसे ही क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड, ये वाला भी आप इन 1 मिनट और इन 5 मिनट्स को रख सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि कैश मेमोरी क्लियर कर देगा, उसके साथ बैटरी बैकअप भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर कीजिए एंड मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये हेल्प हुआ है या नहीं। तो ये था सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर। एंड सेकेंड फीचर हम देखेंगे कैलकुलेटर में, तो टूल्स यहाँ पर है, यहाँ पर कैलकुलेटर। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटर ऐप में क्या है, नॉर्मल जो कैलकुलेटर रहता है वही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला छोटा आइकॉन है, इस पर टैप करेंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलेगा इंस्टेंटली। तो जो चाहिए पाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/x इसमें, एंड स्क्वायर रूट्स वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन कॉस टैन ये सारे चीज़ है, तो बेसिकली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंटली। एंड जब भी आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं फिर से टैप करना है एंड बूम चला गया। तो उसके साथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखिए 9 डॉट्स है ना, तो 9 डॉट्स के ऊपर टैप करना है आपको। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे कन्वर्टर्स हैं, जैसे कि आप लेंथ को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर टू सेंटीमीटर, या फिर इंचेस हो, माइक्रोमीटर हो, ढेर सारे ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं, जो चाहिए वो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो इंस्टेंटली यहाँ पर कन्वर्ट होके दिखाई देगा, तो ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे ही किलोग्राम टू ग्राम ये सारी चीज़ है, यहाँ पर टेम्परेचर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन टेम्परेचर हो बेसिकली, तो सारा चीज़ यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइव करेंसी एक्सचेंज का रेट भी दिखाई देगा, तो करेंसी मेजर कर सकते हैं। वैसे ही वॉल्यूम है, एरिया है, एंड स्वाइप पे ऐसा करेंगे तो मास है। तो बहुत ही यूज़फुल फीचर है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं था तो अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से बेसिकली आप सारी चीज़ों को कन्वर्ट एंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था सेकंड फीचर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर देखिए, फिर से सिक्योरिटी पर जाएंगे, कैसे एप्लीकेशंस को लॉक करना है। Xiaomi Poco फ़ोन में आप बिल्कुल लॉक कर सकते हैं एप्लीकेशन को, तो लॉक करने के लिए ऐप लॉक है, जस्ट टैप करना है आपको एंड आपको जो पैटर्न अच्छा लगे वो बनाइए एंड उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है। अगर आपका Xiaomi का अकाउंट है तो Xiaomi अकाउंट में साइन इन करना है। अगर साइन इन करेंगे तो बेसिकली आप जब भी उस पासवर्ड या पैटर्न को भूलेंगे तो वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा।
तो अगर वो नहीं चाहते हैं करना तो नॉट नाउ है, उस पर टैप कर दीजिए। एंड अगर आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट एक बार रजिस्टर कर दीजिए, तो फिंगरप्रिंट से भी आप ऐप को अनलॉक एंड लॉक ज़रूर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब ऐप को लॉक करना चाहूँ तो ऐसे इनेबल कर सकता हूँ। तो वैसे ही जो भी एप्लीकेशंस को लॉक करना चाहते हैं जस्ट इनेबल करते जाइए। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सेटिंग्स है उस पर टैप करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेटिंग देखिए लॉक सेटिंग्स में है। लॉक सेटिंग्स में आपको व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड और आफ्टर एग्जिटिंग द ऐप, इस पर टैप करके रखना है। यानी कि जब भी मैं कोई भी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गैलरी को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर लॉक्ड है एप्लीकेशन, अभी हम इसको अनलॉक करेंगे। एंड जब भी मैं बैक लेता हूँ तो लॉक होना चाहिए ना, तो अगर ये लॉक ऐसे होना चाहिए तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में ये वाला लॉक सेटिंग्स में मिडिल वाला रखना है, व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड और आफ्टर एग्जिटिंग द ऐप। ये रियली इंपॉर्टेंट है, इसको आप रखेंगे तो जब भी आप ऐप को बैक लेंगे या फिर ऐप को क्लोज करेंगे तो इंस्टेंटली लॉक हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अनलॉक विद फिंगरप्रिंट है, शो पैटर्न है, तो ऐसे ढेर सारे फीचर्स है। तो अगर मान लीजिए आप सारे ऐप्स को अभी लॉक नहीं करना चाहते हैं, अनलॉक कर देना चाहते हैं, तो सारा डिसेबल ऐसे कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो ऐप लॉक को टोटली फीचर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग से ऐप लॉक का ऑफ है ना, तो ऑफ़ करके ओके पर टैप करना है, तो ऐप लॉक को बिल्कुल आप ऑफ कर सकते हैं। एंड वैसे ही सेकंड स्पेस है यहाँ पर, तो नेक्स्ट फीचर में देखिए सेकंड स्पेस। जैसे कि आपको पता, और एक प्राइवेट स्पेस आपको क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को आप मोबाइल दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो वो वाला स्पेस लगा कर उनको दे सकते हैं। एंड प्राइमरी जो प्राइवेट स्पेस आपका है वो वैसे ही रहेगा। तो वेरी हेल्पफुल फीचर, आप यहाँ से बिल्कुल ऑन करना है एंड इसको पासवर्ड देना है यहाँ पर। तो देखिए स्विचिंग क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंटिन्यू पर टैप करना है। एंड कैसे आप स्विच करेंगे स्पेसेस, यूजिंग ए पासवर्ड या यूजिंग ए शॉर्टकट, तो ये चॉइस करके कंटिन्यू पर टैप करना है। एंड यहाँ पर सेकंड स्पेस पासवर्ड नया देना है, आप दे सकते हैं या फिर वो भी आप स्किप कर सकते हैं। वैसे ही कन्फर्म फर्स्ट स्पेस पासवर्ड, तो पहले इसको कन्फर्म करेंगे। अभी एक नया पैटर्न डालेंगे सेकेंड स्पेस के लिए, तो सेकेंड स्पेस के लिए नया पैटर्न हमें सेस बनाएंगे। एंड ये रहा, आप इवन फिंगरप्रिंट से भी सेकंड स्पेस को स्विच कर सकते हैं। तो अब फिलहाल हम स्किप करेंगे एंड अलाउ कर दीजिए परमिशन को। बूम, देयर यू गो, नया आपका सेकंड स्पेस ओपन हो चुका है। अभी अलाउ करेंगे, ये रहा सेकंड स्पेस। ये बिल्कुल प्राइवेट रहेगा। अगर आप सेकंड स्पेस में रखना चाहते हैं अपना डेटा तो यहाँ पर रख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट स्पेस में रखना चाहते हैं तो वहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ का यहाँ मिक्स नहीं होगा। तो ये बढ़िया फीचर है, तो बहुत ही हेल्पफुल फीचर। अगर आप स्विच करना चाहते हैं वन स्पेस टू अनदर स्पेस, तो यहाँ पर स्विच करके है टैप कर दीजिए एंड अपना फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, या फिर एंटर पासवर्ड, हमने जो पैटर्न बनाया था फर्स्ट स्पेस का वो देना है। एंड देखिए स्विचिंग, तो पहला जैसा था फर्स्ट स्पेस, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेस। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर कैमरा में है, तो कैमरा को ओपन करेंगे। यहाँ पर थ्री स्ट्राइप्स है, यहाँ पर सेटिंग्स है। मैंने ऑलरेडी इसका कैमरा का डिटेल सेटिंग्स बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो कैमरा सेटिंग्स के रिलेटेड। मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम देखेंगे कैमरा सेटिंग में इंपॉर्टेंट फीचर नीचे है यहाँ, एंटी बैंडिंग। तो अगर आप इमेजेस में फ्लिकर देख रहे हैं वीडियो में या इमेजेस में, तो इसको 60 हर्ट्ज पर रख दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज रहेगा, तो इसका चेंज करके आपको 60 हर्ट्ज रखना है। वैसे ही ऑटो एक्सपोजर सेटिंग, ये वाला देखिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लावर्स का या फिर क्लोजअप शॉट्स का ले रहे हैं तो स्पॉट मीटरिंग रखना है। अगर आप सेंटर वेड रखेंगे, तो किसी भी पर्सनस का इमेज ले रहे हैं तो सेंटर वेड रखिए। एंड अगर आप लैंडस्केप कैप्चर कर रहे हैं तो फ्रेम एवरेज, तो ऐसे आप चेंज करके पिक्चर्स को लीजिएगा। सुपर पिक्चर्स मिलेंगे आपको पोको F1 में। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स का, वहाँ पर मैंने बताया है। वैसे ही कॉन्ट्रास्ट, अगर आपके इमेजेस में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से लो कर सकते हैं, या फिर कम आ रहा है तो हाई कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कहाँ पर कैसे आप फोटोज़ ले रहे हैं। वैसे ही सैचुरेशन है, वैसे ही शार्पनेस, अगर आपके इमेजेस में शार्पनेस कम आ रहा है तो हाई करके रख सकते हैं यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। वैसे ही पिक्चर क्वालिटी को यहाँ पर ऑलवेज हाई रखिए। अगर कुछ स्पेस आप सेव करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड या फिर लो रख के भी आप कैप्चर कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर। वैसे ही ड्यूअल कैमरा वाटरमार्क है, शो ग्रिड लाइंस, फोकस एंड शूट है। ये बेसिकली अगर आप इनेबल करेंगे, तो अभी फोकस करेंगे टैप टू फोकस, एंड उसके ऊपर एक बार टैप करता हूँ तो बिल्कुल इंस्टेंटली कैप्चर हो गया।
तो वैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन सारे फ़ीचर्स को। तो इतने सारे यूज़फुल फ़ीचर्स हैं Xiaomi Poco F1 में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ यूज़ होता है तो लाइक करना ना भूले और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करके बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना। बाय बाय।